गाइज आप सब कैसे हो, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं बरसाना। गाइज काफ़ी समय हो गया पिज्जा खाए हुए, तो आज हम लोगों ने मन बनाया है कि हम लोग पिज्जा खाएंगे आज। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आज बहुत मज़ा आएगा। हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल आपसे शेयर करेंगे और देखते हैं पिज्जा के अलावा और क्या क्या चीज़ मिलती है। तो गाइज वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम लोग चल रहे हैं भैया, हमें रास्ते में मिल गया गन्ने की जूस वाला। तो पहले हम एक एक गिलास जूस पीते हैं, उसके बाद बरसाना चलते हैं। तो भैया एक एक गिलास जूस बनाओ। हम लोग पहुंच गए हैं वो गन्ने वाली जूस की दुकान पे। ये भैया हैं जो कि जलालपुर से हैं, लेकिन हमारे खायरा गांव में ही जूस की दुकान लगाते हैं, क्योंकि कुंडा पे ही इनकी ये दुकान लगती है डेली की, और बहुत ही अच्छा जूस बनाते हैं। तो भैया से बोलते हैं और जूस बनवाते हैं। तो भैया ने हमें जूस दे दिया है, हम लोग जूस पीएंगे। भैया बहुत ही स्वादिष्ट जूस है, बहुत मज़ा आ गया जूस पी के। तो भैया मेरे साथ में ये दो भाई और जा रहे हैं बरसाना, क्योंकि इन्हें भी पिज्ज़ा खाना, आज मेरे साथ ये भी पिज्ज़ा खाएंगे। अभी जूस पी रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो भाइयों जूस कैसा लगा आपको? अच्छा है, ठीक है। तो भाई जूस हमने पी लिया है, अब लोग हम लोग चल रहे हैं बरसाना की तरफ। तो वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। तो भाई लोगों शाम का टाइम है, 6:20 हुआ है, और देख रहे हैं नज़ारा कितना सुंदर हो रहा है। बादल छाए हुए हैं आकाश में, और हम लोग जा रहे हैं बरसाना की तरफ पिज्ज़ा खाने के लिए। तो गाइस बहुत मज़ा आएगा आज वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम लोग चल रहे हैं बरसाना। दोस्तों हम लोग बरसाना पहुंच चुके हैं, और बरसाना में ही घुसते ही जैसे हम लोग पहुँचे हैं राणावा की प्याव पे, जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहीं पे एक नियर बाई एक टेडी बियर की भैया ने दुकान लगाई हुई है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी यदि स्मॉल से लेके काफ़ी बड़े बड़े मतलब टेडी बियर इनके पास हैं, और इनके पास लेने वालों की भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि बरसाना में टेडी बियर और कहीं नहीं मिलते। तो दोस्तों आप किसी को जो भी बरसाना से जो टेडी बियर खरीदना चाहता है, तो भैया की दुकान यहाँ पर कम से कम एक हफ्ते तक चलेगी, तो आप आ सकते हैं, उनसे टेडी बियर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बरसाना पहुंच गए हैं, आप देख रहे हैं हम बरसाना में एंट्री कर रहे हैं। सीधा चला वो, हम लोग चल रहे हैं आपको जल महल की तरफ। आज थोड़ा सा बरसाना की जल महल पे नजर मारेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आपसे कई बार बोला जल महल दिखाने के लिए, लेकिन एक बार भी नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप देख रहे हो काफ़ी भीड़ है आज, और हमेशा बरसाना में तो भीड़ लगी रहती है, क्योंकि एक तीर्थस्थल है बरसाना, राधा रानी का धाम है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा गोवर्धन रोड की तरफ, थोड़ा सा उधर ही पड़ते हैं जलमहल, जो बस्ती के बिल्कुल अपोजिट पड़ते हैं जलमहल। ये ब्रजधाम फैमिली रेस्टोरेंट है, जो कि बरसाना में काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो खाने वाने की खाना बहुत अच्छा मिलता है। हम लोग अब गाइस बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हो काफ़ी बसें खड़ी हुई हैं बस स्टैंड के अंदर। ये बस स्टैंड है बरसाना का। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं जल महल की तरफ। इसको ब्रसवान भानोकर कुंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग।
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So, दोस्तों देख रहे हो काफी अच्छा दृश्य है. भानोकर कुंड बरसाना की जो जल महल है. तो गाइस जो भी राधा रानी के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं वो जल महल जरूर घूम के जाते हैं. बहुत ही सुंदर एवं शीतल स्थान. दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कीर्ति मंदिर, और इसी के पास एक भैया हैं जो कि गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं. अब उनकी दुकान से हम लोग गोलगप्पे खाएंगे. पहुंच चुके हैं पानीपुरी की दुकान पे. अब लोग अब पानीपुरी खाएंगे. ये भैया हैं जो कि पानीपुरी की दुकान लगाते हैं. ये मेरे काफ़ी पहले से यहाँ पे, मैं बरसाना में पहले दुकान करता था, जब इसे परचेज थे तो ये भैया पानीपुरी लगाते हैं. ये मेरे मित्र हैं जो कि मुझे पानीपुरी खिलाएंगे, और हमेशा इन्होंने खिलाई है, कभी पैसे भी नहीं मांगते. भैया इतने अच्छे हैं. और बरसाना में सबसे पहले ये लोग, ये भैया जो हैं झांसी से हैं, जो बहुत पहले से यहाँ पे जब कीर्ति मंदिर बन रहा था तभी से ये लोग पानीपुरी की दुकान लगाते हैं यहाँ पे. तो भैया अब हम लोग खाते हैं पानीपुरी और बताते हैं. भैया बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट पानीपुरी बनाते हैं. तो ये भैया हैं, भैया इनसे मिल रहे हैं, आप मिल लीजिए. और इनकी दुकान दिखाते हैं ये किस कई तरीके के पानी रखते हैं पानीपुरी के साथ साथ. हम लोग एक एक करके आपको दिखाएंगे. ये है हींग वाला पानी, ये सादा खट्टा मीठा पानी, जलजीरा पानी और पुदीना पानी और नींबू पानी. तो इनके पास जो पानीपुरी हैं तो वो गेहूं के आटे से लेके सूजी के भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं. और इनकी जो दुकान का नाम है कान्हा पानीपुरी सेंटर, नीचे बोर्ड देख रहे हो, जो कि भैया का नाम है संजू, और इनकी जो पानीपुरी की जो दुकान का नाम है कान्हा पानीपुरी सेंटर बरसाना, ये इनका मोबाइल नंबर है. तो भैया जब भी आप कीर्ति मंदिर आएँ, इनके ठीक अपोजिट कीर्ति मंदिर के ही पानीपुरी की दुकान लगाते हैं. तो जब भी आप कीर्ति मंदिर आएँ तो आप इनसे पानीपुरी खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट पानीपुरी बनाते हैं. हम लोगों ने अब गोलगप्पे खा लिए हैं पानीपुरी, अब लोग हम चल रहे हैं पिज़्ज़ा की दुकान पर और पिज़्ज़ा खाते हैं. तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं फ्रीज पिज़्ज़ा की दुकान पर. अब यहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा बनवाएंगे और देखते हैं यहाँ पे सबसे अच्छे पिज़्ज़ा बरसाना में. ये सबसे पुरानी दुकान है भैया की. भैया बोल दियो ना भैया को पिज़्ज़ा के लिए. ठीक है भैया, बोल दिया है, ऑर्डर दे दिया भैया, पिज़्ज़ा बना रहे हैं. ये पिज़्ज़ा रेड लिस्ट है, आप जब भी बरसाना आए तो यहाँ से श्री जी पिज़्ज़ा के नाम से, जो कि कीर्ति मंदिर से थोड़ा सा पहले लेफ्ट साइड में है. तो भाई लोगों फाइनली पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, और हम लोग अब देख रहे हैं पिज़्ज़ा काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होगा, क्योंकि ये जो दुकान है बरसाना की सबसे पुरानी दुकान है जहाँ पे जो पिज़्ज़ा मिलता है श्री पिज़्ज़ा के नाम से. तो भाई लोगों हम लोग अब पिज़्ज़ा खाएंगे. आप देख रहे हैं फाइनली पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है. भैया ने इधर दे दिए हमें पिज़्ज़ा, देख सकते हैं भैया, ये भैया बिल्कुल तैयार बैठे हैं अब पिज़्ज़े के सामने, और एकदम खाएंगे पिज़्ज़ा.
हमने उन्हें खा लिया है भैया। पिज्जा कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत बढ़िया, पेट भर गया। ओके, तो भाई लोगों पिज्जा बहुत अच्छा बना था भैया जो पिज्जा बनाया। अब हम लोग जो भैया ने पिज्जा बनाया उनसे आपकी एक बार मुलाकात करवाते हैं, उनका इंट्रो आप अपनी वीडियो में हम लोग करा रहे हैं। तो दोस्तों ये तरुण भैया हैं जिन्होंने हमारे लिए पिज्जा बनाया था। अभी ये थोड़ा अपने बारे में इंट्रो देंगे, अपनी दुकान के बारे में लोगों को बताएंगे। तो भैया जी आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रो बता दीजिए, जो कि ऑडियंस अगर आप बरसाना आए तो आपकी दुकान पे किस प्रकार पहुंच सकते हैं, और आपकी दुकान पे कौन कौन से पिज्जा और क्या क्या फास्ट फूड मिलता है? मूसी गला से होके आप सीधा बरसाना आओ, ऑन रोड पे हमारी शॉप है, श्री जी पिज्जा के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। और आप चाहो तो फेसबुक पे या यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जो कि कीर्ति मंदिर से थोड़ा सा पहले है ना, लेफ्ट साइड में भी सर्च करके आ सकते हो, लोकेशन से भी आ सकते हो। और अच्छा फास्ट फूड में क्या क्या मिल जाता है आपके पास? हमारा सब कुछ इंडियन फ्लेवर रहता है, जैसे कि इंडियन टेस्ट होम मेड होता है ना, उसी हिसाब से हमारा टेस्ट रहता है। जैसे कि सिर्फ चाइनीज है, कौन सी है, और तुम्हारा थाई है, फूड रहता है अच्छा क्वालिटी का। आप खुद ट्राई करो, आप खुद बोलोगे। तो भाई लोग एक बार भैया की दुकान पर जरूर आइएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा भैया ने पूरा अपना इंट्रो दिया, अपना भैया ने बताया कि उनकी जो दुकान है, उनकी जो शॉप है पिज्जा की, वो बरसाना में घुसते ही कीर्ति मंदिर से थोड़ा पहले लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीज पिज्जा के नाम से उनका बोर्ड लगा हुआ है। तो गाइस सबसे पुरानी दुकान है जहाँ पे भैया ने सबसे पहले यहाँ पे जो पिज्जा का काम स्टार्ट किया। अब तो बहुत सारी शॉप खुल चुकी हैं, तो काफ़ी स्वादिष्ट पिज्जा बनाते हैं। बाकी फास्ट फूड में बर्गर, पेटी, चाउमीन सारा कुछ इनके पास अवेलेबल है। तो गाय जब भी आप बरसाना आए तो एक बार भैया भाई की दुकान से पिज्जा खाने का मन होते हैं। अब हम लोगों ने पिज्जा खा लिया, हम लोग निकलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग अब घर की तरफ निकल रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो गाइज आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।